सबसे पहले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेशक कंट्रोवर्शियल हों, लोग उनके बारे में बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग वो फिर भी होते हैं। अब अगर इंसान लॉजिक से बात करे तो आप उस इंसान के साथ में क्या बात करेंगे। इसीलिए मेरे साथ में जो इंसान मौजूद हैं, वैसे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, फिर वो कनाडा चले गए और कनाडा से अब हिंदुस्तान की तरफ वापस आए हैं। मेरे साथ में तारिक फतेह हैं यहाँ पे। तारिक, एक एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा आता था, एक आपको गुस्सा आता है। मुझे हंसी भी बड़ी आती है। लेकिन गुस्सा इतना क्यों, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट? 40 लाख आदमी मर चुके हैं 70 साल में, शहर के शहर तबाह कर दिए, उनका जो हजारों साल का कैरेक्टर है वो बदल दिया, कराची के अंदर गुजराती जबान बैन कर दी, सिंधी बैन कर दी, बंगाल के अंदर उर्दू नाफिज कर दी, बलूचिस्तान में अरबी पढ़ा रहे, लाहौर को हिंदुओं से साफ कर दिया, और आप कह रहे मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? गदर में सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा था, लेकिन वो तो फिल्म थी। आप तो पाकिस्तान जा नहीं रहे हो, वहां मतलब पूरा पाकिस्तान ही उखाड़ने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान का देखिये, पाकिस्तान में दो किस्म के लोग रहते हैं। पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमान की इलीट जो हुकूमत करती है और बाकी इलाकों को इस तरह कंट्रोल करती है जिस तरह मेरा अंग्रेज कॉलोनियल भी इतना बुरी तरह ना ट्रीट करता हो जी। तो आप देखिए पख्तूनों का कैरेक्टर बदल दिया, बलोचिस्तान आज़ाद मुल्क था उस पर कब्जा कर दिया, सिंध के अंदर आप यकीन करिए कि जाते छूटते के साथ ही 1947 में सिंध के कैपिटल के अंदर उर्दू नाफिज कर दी, और आपके यूपी सीपी और बिहार के जितने भी महाजरीन थे उनको डाल के उर्दू जबान कर दी। उसी शहर में जहाँ गुजराती और सिंधी और मेमनी कच्छी और बलोची बोली जाती थी, विद इन 5 ईयर्स इन लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती थी क्योंकि इनकी जबान ही नहीं थी उर्दू। उनको स्क्रिप्ट नाइज करना, उनको कहा कि आप ठीक मुसलमान नहीं हैं अगर आप यूपी के लहजे में बात नहीं करेंगे। तो ये कल्चरल जेनोसाइड हुआ है और डिसफंक्शनल लोग पैदा हुए। इनका कसूर थोड़ी कि अगर बेवकूफ़ी की बातें पाकिस्तानी करते हैं, ये इनका कसूर नहीं है, ये तो मोहम्मद अली जिन्ना का और वो यूपी के नवाबों का कसूर है जिन्होंने एक आर्टिफिशियल इस्लामिक कंट्री स्टेट बनाया कि यहाँ से हिम्मत करके फिर हिंदुस्तान पर हमला करेंगे और बाबर की तरह फिर आ जाएंगे घोड़े पर बैठ के। तो ना वो हाथी आया ना घोड़ा आया, वो मुल्क भी टूट गया और अब वो दुनिया भर की फैक्ट्री है जहाँ से दहशत फैलती है, फिलिपीन से लेके फिलाडेल्फिया तक। यानी एक ही कॉमन चीज़ है दुनिया में कि टेररिज्म कहाँ से आती है, वो पाकिस्तान, चाहे वो सोमालिया में अल शबाब हो, बोको हराम हो। अब आप बताइए सोमालिया में जब तशद्दुद पसंद लोग शलवार कमीज पहन रहे हों जी, तो वो कहीं अफ्रीका से आया? या मेजर निदाल हसन ने जिस दिन 16 आदमियों को कत्ल किया, अमरीकी फौजी थे वो, उस सुबह कॉफ़ी पीने शलवार कमीज में गए, तो ऑब्वियसली हर एक को पता है कि कहाँ पहनी जाती शलवार कमीज। 70 साल पीछे चले जाए तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ उस दौरान? नहीं, से पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान उस तरफ बना, आज दो तरफ बना। हाँ, और अगर उस दौरान से देखा जाए, 1947 से देखा जाए, क्या चीज हुई है ऐसी गलत वहां पे जो मतलब वो पीछे रह गया, क्योंकि है तो वही सही का, हम सही मुल्क तो वही है, लोग वही हैं। सही क्या चीज हुई है कि आप पूछ रहे हैं, गलत क्या चीज हुई है? अरब मुल्क बनाने जा रहे हैं आप लाहौर में? नहीं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, आवाम तो वही है। क्या मतलब है, वहां को पंजाबी बोलता नहीं है क्या? लोग वो नहीं रह गए? लोग बदल गए सर, लोगों को ये नहीं पता कि उनकी माँ कौन है, बाप कौन है, विरसा क्या है, कब्बा चले हंस की चाल, कुछ भी नहीं बचे। वो तो कोई हो सकता है दुनिया का कहीं इलाका जहां लोग अपनी जबान पे पाबंदी खुद लगाएं? लेकिन 20 के 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ कहाँ है सर, ये कहां से आप लोग ले आते हैं? आखिरी सेंसस हुए हुए 25 साल हो गए पाकिस्तान में, 10 करोड़ तो टोटल पाकिस्तान में थे जब पाकिस्तान टूटा है, जब हबीब जालिब ने कहा 10 करोड़ ये गधे क्या बनेंगे अवाम जिनका नाम है मुसलमान, पर बहुत कुछ जूते लगा चुके हैं हमसे पहले। आप भी, आपकी एजुकेशन का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में हुआ, आपने वहां पे काम किया, तो आपको कहीं वो नहीं लगता कि कहीं पाकिस्तान से एक रिलेशन? लोग कहते हैं कि यार है, रिलेशन क्या है, सिंध से है, बलोचिस्तान से है, पंजाब से है, पाकिस्तान कहाँ से आ गया जी? ये क्या चीज है पाकिस्तान? आप कैसे टूटे, आपको
क्या लगा कि पहले झूठ नजर आ गया, 65 की जंग में नजर आ गया था, इनको फरिश्ते नजर आते थे पाकिस्तानियों को, साहब वो हिंदुस्तान के बम्बार आते हैं और हमारे फरिश्ते उड़ के जाते हैं और उनका बम छीन लेते हैं। ये तो कौम पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए लोग इसमें यकीन करते हैं कि एयर वॉरफेयर के अंदर अल्लाह मियां फरिश्ते भेज रहे थे जेट फाइटर, नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं ये लोग। एक तोप थी पाकिस्तान, उसको रानी कहते थे, वो रात को दो गोले मारती थी इंडिया की तरफ और सब लोग नारा लगाते और रानी वज्जी। I was only 15 then. I knew this is absolute nonsense. And why did you leave Pakistan? आपने क्यों छोड़ा? मैं मुझे तो पाकिस्तान से निकाला, मैं क्यों लीव करता? मैं तो वहीं लड़के मर चुका होता अब तक। 77 में they charged me with sedition and I was barred from. I lived a very tough one year where I was barred from taking up a job. जी. बीवी भी है, बच्चे भी हैं, कैसे चलेगा आपका? तो I left Pakistan. और अब जब आप कनाडा में पहुंचे, वहां पे क्या लोगों का मानना है और व्हाट इज द वेस्टर्न व्यू ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तानी पाकिस्तान चेकबुक काटते, आप हिंदुस्तान में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस पाकिस्तान के छपे हुए आते नेपाल और बांग्लादेश से जी। तो जो हिंदुस्तान का नोट छाप सकता है वो दुबई में उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर सकता है। तो किसी की जेब भरने में तो प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं ना पाकिस्तान जी। $1 million किसी को देने में क्या लगते हैं? कागज ही लगता है ना। बिल्कुल। तो ये लोग दुनिया भर में करप्शन ब्राइबरी, इन्होंने तवायफों का अड्डा खोला हुआ, अपने मुल्क को बना दिया, जो पैसे देगा उसके साथ पाकिस्तान चला जाएगा।